तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्रैवल स्पेयर 07 आपके साथ। बज रहे सुबह के 7 और हम जा रहे हैं अपनी जगह खूफिया जगह, हम ले चलेंगे भाई। जैसे ना अभी हम सुबह सुबह उठे थे तो मैं और मेरे दोस्त एकदम से प्लान बना किया चलते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा था हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हाँ अपने आस पास चलते एक जगह जहाँ की लोकेशन बहुत ही प्यारी है गाइस, आप देखोगे ना मज़ा रहेगा। आप जैसे देख सकते हैं हमें उस पहाड़ पर जाना है जहाँ वो पेट का मंदिर है, उस जगह जाएंगे हम। वहाँ पूरा कोहरा छा रहा है तो मज़ा आएगा कोहरे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखो शिमला में रहते चारों तरफ देखो भाई, पूरा हरा भरा है, रोड भी बहुत प्यारी जा रही है और देखो भाई पूरा पूरा सौर का जगह। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, यहां से हमें पैदल पैदल ऊपर जाना है, तो चलो चलते हैं। पूरी खड़ी चढ़ाई है यार, यहाँ तेंदुआ फेंदुआ भी आता है गाइस। ये चेक करो यार, अभी तो कोहरा छा रखा, प्रॉपर से और क्लियर आएगा। सो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए समझ लो। पर यार ना झाड़ियाँ बहुत भयंकर हो रखी है, ये चेक करो यार, यहाँ से कैसे आएंगे हम। मतलब रास्ता ऐसा है ना, क्योंकि अभी बरसात का टाइम भी है तो घास फूस बहुत हो रखी है। वो ये मंदिर है ऊपर है, वो टॉप पे है डेविड, वहाँ है क्या? ओ आ गए हम। फू फू मत कर यार तू। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही डेयरिंग से रास्ता पार करने के बाद। ये है माता शीतला देवी का मंदिर जो कि बहुत पुराना है, और ये वैसे नॉर्मली गांव के लोगों का मंदिर है। जैसा होता ही ना गांव में कि एक कुल देवी होती है या मंदिर होता है ना गांव में जो सबका ही रहता है, तो वैसे ये गांव वालों का पूर्व मंदिर है। तो जैसे व्रत व्रत या पूजा पाठ में लोग आते ही हैं यहाँ। और एक छोटू सा मंदिर है जो कि काली माता का है गाइस। यहाँ देखो ना बिल्कुल लोकेशन इतनी प्यारी है ना, लोकेशन इतनी प्यारी है पूरा, मतलब यहाँ से ना मतलब पानी तक की आवाज़ सुनाई दे रही है पूरी, जो नीचे नदी जा रही है पूरा उस नदी से पूरी जो पानी की शोर की आवाज़ आ रही है पूरी सुनाई दे रही है। पता नहीं मुझे आप लोगों को सुनाई दे रही हो ना दे रही हो, बट मुझे फुल सुनाई दे रही है। ये देखो यार क्या सुंदर व्यू है। अभी वैसे कोहरा छा रखा ना तो उतना पूरा ये जो एरिया है पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत भयंकर आ रखा अभी। पर यार ये आने के बाद ना अलग ही लेवल का सुकून है यार, ये देखो बस बहुत ही मस्त लग रहा। और जैसे ये रास्ता था ना तो यहाँ से एक पहले टाइम पे मसूजी के लिए निकलता था रास्ता जब लोग पैदल जाते थे, पर अब तो ट्रांसपोर्ट आ गए तो अब लोग नहीं जाते, बट वो रास्ता भी है, लोग पहले जाते थे। इस पर आए पैसे भी गोल फ्री है यार, ये बिल्डिंग तो जिसके से वो फ्लैट चाहिए होगी कॉन्टैक्ट मी विद हैवी डिस्काउंट। लोग ना इतने बहुत ही
क्या बोलूँ मैं, बहुत मंदिर को भी नहीं छोड़ रखा, मंदिर में भी अपनी आशिकी वगैरह का नाम या अपना ही नाम भी चेप रखा, मतलब एटलीस्ट ये तो मत करो यार मंदिर वगैरह में अपना अलग ही पता नहीं क्या, पूरी इस साइड भी दीवार में पूरी जगह पर मतलब नाम लिख के क्या हो जाएगा, तुम्हारी आशिकी अमर हो जाएगी भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, नाम लिख के नहीं होता भाई अमर, पढ़ाई लिखाई करो, आई एस वाई एस बनो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे की साइड, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, इतना प्यारा व्यू है, आप चिड़ियों की आवाज़, हिरन की आवाज़, मोर की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ आपको अभी भी आ रही होगी, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो आपको आ रही होगी, पर बिल्कुल आप यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप सच में नेचर के बीच में आए हो। तो गाइस अब हम पहुँच चुके थे नीचे और अब हम जा रहे हैं घर, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको रास्ता दोबारा दिखाऊंगा नहीं, तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना गाइस, ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो फैला दो आग लगा देना इस वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बट उसके पिछली वीडियो में बहुत सही रिस्पॉन्स आया था आपको गाइस, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को भी फैला देना, आग लगा देंगे ओके गाइस, बाय बाय।